हमारे चैनल अवस्थी वाइटेलिटी को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी सर। आप ही हैं मरीज? जी सर। हाँ, तो ये बताइए शुभम जी, एज क्या है आपकी? 26 सर। और क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए अपन मिले थे? लिगामेंट सर। कौन से पैर में? लेफ्ट पैर में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रतनपुर का सर। रतनपुर छत्तीसगढ़? हाँ छत्तीसगढ़। अच्छा, वर्किंग क्या है आपका, करते क्या है आप? रेलवे में जॉब करता हूँ सर, पावर प्लांट में। अच्छा, तो किस टाइप का ऑफिशियल वर्क है, फील्ड वर्क है? फील्ड वर्क है सर। फील्ड वर्क बोले तो पटरी पे? हाँ जी सर। तो उसमें जैसे अप डाउन होता है, गिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, उसमें पहले जब ये हुआ था तब चल वल पा रहे थे कि नहीं? नहीं चल पा रहा था सर, दिक्कत होता था। और हुआ कैसे था ये आपका लिगामेंट लेफ्ट नी का? एक्सीडेंट हुआ था सर, बस से। बस से एक्सीडेंट? कब की बात है एक्सीडेंट का? एक्सीडेंट अप्रैल में सर, 21 अप्रैल को एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हाल था आपका एक्सीडेंट के बाद? एक्सीडेंट के बाद सर वही, चल नहीं पा रहा था, चलने में प्रॉब्लम था सर। हाँ हाँ, तो अप्रैल में हुआ था और मैं 1 से 1.5 महीने बाद मिला आपको। इस दौरान 1 से 1.5 महीने में क्या स्थिति थी आपकी? सर वही, चल नहीं पाता था सर, वाकर वाकर लेके चलता था सर। तो जॉब दिक्कत होता था सर? जॉब में नहीं चल रहा था सर, बंद था। छुट्टी में थे? छुट्टी में था सर। अच्छा, अब ये बता दें कि उस समय जैसे आपने MRI कराई है, उस समय कहीं और दिखाए भी होंगे? हाँ सर। कहाँ कहाँ दिखाए? बिलासपुर। क्या बोल रहे थे डॉक्टर वहाँ? सर्जरी करना पड़ेगा बोल रहे थे सर। क्यों? क्योंकि लिगामेंट फ्रैक्चर था, तीन लिगामेंट का फ्रैक्चर था। ओके ठीक है, अब ये बताइए जैसे सर्जरी करना पड़ेगा बोल रहे थे, तो आपकी कंडीशन बहुत खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा सर। इंडियन टॉयलेट बैठ सकते थे उस समय? नहीं बैठ पाता था सर। नॉर्मल बिना किसी सहारे के आप चल सकते थे? नहीं चल पाता सर। नहीं चल पाते थे। और मेरी जानकारी आपको किसने दे दी? जी सर, वहाँ एक भैया मेरे काम करते हैं प्लांट में। हाँ हाँ, वो मेरे को बताया आपके बारे में। ओके, और अपन तो मिले थे वे जून जुलाई में, है ना? जी सर। और अभी तक कितने कोर्स किए हैं अपन आपके साथ? 3 महीने का सर। 3 महीने का, ये भी बता, एक कोर्स मतलब है ना? एक कोर्स। अच्छा, उसके बाद आप आज आ रहे हो, है ना? अभी सेकेंड कोर्स के लिए, है ना? जी सर। अभी ये बताइए कंडीशन कैसी है आपकी, पहले और आज में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर, बहुत अच्छी कंडीशन है सर। पेन कैसा है? एकदम सही है सर, परफेक्ट। दर्द नहीं है? नहीं है सर। सूजन? नहीं है सर। सूजन नहीं है। अभी ये बताएं जैसे देसी स्टाइल बाथरूम हो गया, सीढ़ी चढ़ना, पालथी मार के बैठना, ये सब हो जाता है आपसे? बिल्कुल सर हो जाता है। कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं। अब तो सर्दियां भी आ गई, मौसम का असर कुछ घुटने में नहीं है सर? नहीं है। आप ये जो बोल रहे हो मेरे दबाव में तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना? नहीं। ठीक है, आप ब्रदर हैं इनके? हाँ सर। क्या हाल था, आप भी बताइए, घर में आप लोग साथ में ही थे? मैं तो इसके साथ हॉस्पिटल में ही था सर। अच्छा, जब पहले दिन ही इसके लेके गए। हाँ हाँ। तो इसका सबसे पहले MRI हुआ सर। हाँ हाँ। उसमें जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोले कि 3 इसके जो लिगामेंट और फ्रैक्चर है। अच्छा। अब बिना सर्जरी के खड़े भी नहीं हो पाएगा करके। अच्छा। फिर हमको महेश्वर भैया जो है इसके साथ जो जी काम जी, करते हैं जी जी, उन्होंने आपके बारे में बताया। फिर हम इसको लगभग 2-1.5 महीने बाद फिर लेके आए थे सर। 1.5 महीने बाद, इसलिए क्योंकि इसकी स्थिति नहीं थी कि हम इसको ला भी पाए। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है, यानी कि जहाँ आप हो, मतलब कितने डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। 150, यानी कि लाने में दिक्कत थी आप? बहुत दिक्कत थी सर, इसीलिए समय लगा 1.5 महीने बाद हम लोग। ठीक है। तब की स्थिति, अभी की स्थिति, मैं हर टाइम इसको मॉनिटर किया हूँ सर इतने दिनों में। हाँ हाँ, बहुत बेहतर स्थिति है, बहुत अच्छी तरीके से आपका इलाज से आज बहुत अच्छी। अभी जॉब वॉब चल रहे? बिल्कुल सर। हाँ, बढ़िया इसका जॉब चल रहा है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए ये बताइए कि आपका ट्रीटमेंट चला कहाँ था, बस आप लास्ट बता दो। अवस्थी क्लिनिक में सर। चलिए, कितने बार बुलाया मैं आपको यहाँ पे? एक बार बस, अभी दूसरा बार आया हूँ सर। और कितनी मैंने MRI कराई आपसे? एक भी नहीं कराई। एक भी नहीं, नहीं। चलिए थैंक यू, उतने खर्चे में इलाज नहीं पड़ गया हमारा। जी सर। चलिए चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।